दोस्तों अर्लोड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बात मानोगे क्वेश्चन मार्क है, मोरेटोरियम 3.0 सभी बैंक NBFC। ऐसा हमने क्यों लिखा है थंबनेल में और इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सभी का मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में एक एक वर्ड ध्यान से सुनना और जो मैं बोलता हूँ उसको ज़रा फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, आप सभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोन मोरिटोरियम या कहीं से आपने लोन लिया है, आखिर आपको लोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, यदि आप बैंक से लोन लो तो चलो वो तो ठीक बात है, लेकिन यदि आप NBFC के पास आप अप्रोच करते हो छोटे छोटे लोन लेने के लिए, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, समझ रहे बात को, छोटे छोटे लोन लेने के लिए आप NBFC जो कोई कई सारे कंपनीज होते हैं उनके पास जाते हो, तो छोटा छोटा लोन लेने की ही आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको। ठीक है, आखिर आपको NBFC का तो मालूम ही है, NBFC का कैसा कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कैसे वो वसूली करते हैं, कितने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आपको देते हैं। तो दोस्तों हम आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपको छोटे छोटे लोन के लिए NBFC या कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको हम सॉल्व करेंगे आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मालूम है आपको RBI का, और वो भी यदि आप इस मोरिटोरियम का जो अभी पीरियड चल रहा है, मोरिटोरियम है, मोरिटोरियम एक्सटेंशन चल रहा है, मोरिटोरियम एक्सटेंशन अब 3.0 भी आने वाला है, 23 मई को जो नोटिफिकेशन आया था वो 31 अगस्त को एक्सपायर कर रहा है, अब 31 अगस्त के बाद जो है मोरिटोरियम और बढ़ेगा, तो यानी मोरिटोरियम बढ़ चाहे बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है बढ़ना तो है ही, लेकिन इस पीरियड में क्या आपको लगता नहीं है जो लोगों को लोन की ज़रूरत होगी, क्या आपको लगता नहीं है लोगों को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या आपको लगता नहीं लोगों को सिक्योर क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ों को जो हम इस वीडियो में शॉर्ट में करेंगे, ये ज़रा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ जो NBFC कंपनी का मनमानी रवैया के खिलाफ आप लोग NBFC को अप्रोच न करें। ठीक है, NBFC के पास आप नहीं जाएँ। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं उसके पास आपको नहीं जाना है, तो नहीं जाने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं सोल्यूशन होना चाहिए ना। यदि आप आपको वहाँ से NBFC से नहीं लेना है तो कहीं ना कहीं से तो वो लोगे ना, तो आखिर ऐसा आपको हम क्यों बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों आपके पास आपको लोन ही चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, और आपने ज़िंदगी में कभी क्रेडिट कार्ड या लोन लिया नहीं है, तो अब हम आपको उसके लिए तरीका बता रहे हैं। दोस्तों आपके पास कम से कम 15,000 से 20,000 रुपया होना चाहिए, 15,000 से 20,000 रुपया होना चाहिए, 15,000 से 20,000 रुपया तो हर किसी के पास होगा, घर में होगा। ठीक है, तो अब उस रुपया से क्या करना है, मान लो 20,000 रुपया आपके पास है, वो 20,000 रुपया आप SBI में क्या कर दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FD कर दो। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्विस है क्रेडिट कार्ड वाला, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है। ठीक है, और FD आप करोगे तो आपको SBI का जाके क्या उसको उसका आपको ब्रांच में थोड़े ना उतना ज़्यादा उसको ये करने हैं, उसका खुशामद करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको फिक्स डिपोजिट कर लेना है, ऑनलाइन भी हो जाता है डिपॉजिट। अब बात करते हैं दोस्तों, आप क्या करोगे, FD कर लोगे। ठीक है, अब FD यानी मोरिटोरियम में आप अप्लाई कर रहे हो, FD में आपको क्या करने हैं, FD करने के बाद FD कर लेना है, और FD 25,000 का 20,000 का FD करोगे ना, तो 20,000 का FD पे 80% यानी 15,000-16,000 रुपया आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि आपने पहले लोन नहीं लिया है तो 3 महीना तक इस FD वाला जो FD कर लोगे, FD करने के बाद आपको ब्रांच में जाना है, वहाँ जो क्रेडिट कार्ड का जो एजेंट बैठता है SBI का, उस एजेंट को बोलना है मेरा एक FD चल रहा है और मुझे उस पर एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। ठीक है, सिक्योर क्रेडिट कार्ड उसको बोलते हैं, वो अप्लाई करा देगा आपका, उसमें कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, आपके अकाउंट के बेसिस पे और FD के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, और 3 महीने के बाद 2 से 3 महीने में आपकी सिविल भी बन जाएगी, सिविल बहुत ही अच्छी बनेगी, 800+ बनेगा। ठीक है, 800 से ज़्यादा बनेगा, तो फिर जब आपकी सिविल अच्छी बन जाएगी और उस क्रेडिट कार्ड को आपको कम से कम 5-6 महीना चला लेना है। ठीक है, या 3 महीने चला के भी आप उसको बंद कर, सिविल आपकी बन गई, आपको क्या करने हैं, 3 महीने
कम से कम चला लेना है, और एफडी का पैसा तो एफडी पे ब्याज भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपको इधर क्रेडिट कार्ड भी मिल गया, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और एफडी का एफडी वापस हो जाएगा, मींस आपको इसमें डबल फायदा हो गया, सिविल भी बन गई। तो अब क्या करना है, जब आपका एक बार सिविल बन जाएगा तो आपको सभी बैंक, यदि किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, वो बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर देना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ से आपको लाखों रुपए का कार्ड आपको बैंक दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट प्रोफाइल, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों, जब आपको ये मिल जाएगा तो आपको फिर इसी से आपको परचेज करने हैं, फिर आपको ये एफडी वाला क्रेडिट कार्ड बंद करा देना, और फिर जो आपका नॉर्मल वाला जो क्रेडिट कार्ड आप किसी बैंक में अप्लाई करोगे, वहाँ से आपका एक ही बार में अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे टर्म्स का, ये सारा प्रोसीजर होता है दोस्तों जो आपको फॉलो करना होता है। यदि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको एनबीएफसी को अप्रोच करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगता है, और बस आपका ये बस हो जाएगा, आपका अकाउंट तो है ही SBI में। लेकिन SBI का क्रेडिट कार्ड की जो सर्विस है सबसे बेस्ट मुझे लगता है, और मैंने लगभग सभी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा हाँ, आने वाले वीडियो में हम आपको लेडीज़ लोन के बारे में बताएंगे, लेडीज़ लोन, फीमेल लोन, महिला लोन के बारे में, क्योंकि किसी ने पूछा था। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। थैंक